इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप गूगल यूज़ करते हैं और गूगल में डेबिट कार्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, तो कभी कभी आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली कट जाता है बिना ओटीपी के, बिना किसी कंफर्मेशन के। बाकी कटे हुए बैलेंस का आपके पास एसएमएस आता है कि आपका इतना बैलेंस कट चुका है। तो ये हो क्या एक रहा है, और अगर ऐसा होता है तो अपने पैसों को कैसे वापसी पाएं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर ये गूगल की कोई इशू नहीं रहता है, कि बहुत लोग सोचते हैं कि गूगल फ्रॉड करता है। इशू बग वगैरह हर किसी की साइट से आते हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं कभी कभी, जो बिना ओटीपी के ही हमारे बैलेंस को कट कर जाता है। ऐसा होता है कि कोई आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा लेता है, तो सिचुएशन में वो कुछ भी अगर ख़रीदता है तो वो डायरेक्टली ख़रीद सकता है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपकी आईडी से कटा हुआ हो तो वो आप बहुत आसानी के साथ मंगवा सकते हैं, लेकिन किसी और की आईडी से अगर किसी और ने कुछ उसको यहाँ पर लीक कर दिया है, तो वो तो आप यहाँ पर गूगल टीम से भी बात करके नहीं मंगा सकते। उसके लिए आपको अपने ही ब्रांच में जाना होगा, जिस पर आपका क्रेडिट कार्ड या एटीएम वगैरह कार्ड हो, तो वहाँ पर आप उसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। जो रिपोर्ट है वो आप उनसे खुद ही कह दीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इतना हमारा पैसा गया है, बाकी की चीज़ें वो खुद कर लेते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर ओटीपी नहीं देनी होती है। अब ओटीपी आपके पास आई नहीं है तो, और आपके मोबाइल से ही बैलेंस कटा है, तो आप इसको कैसे मेल कर सकते हैं, गूगल टीम से कैसे बात कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, क्योंकि सारा जो वर्क करती है यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ही करता है। यहाँ पर यूट्यूब वगैरह की टीम से आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको तीन लाइन पर जाना है। तीन लाइन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर हेड हेल्प एंड फीडबैक में, तो इस पर जाना है। तो जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स फ़ोन का, और यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास फ़ोन का ऑप्शन है। बाकी चैट पर होता तो चैट पर बात कर लेते हैं, फ़ोन पर हो फ़ोन पर बात कर ले। यहाँ पर शो टाइमिंग होता है कि मंडे से संडे तक 9 से 6 तक यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, उसके बाद चैट कर सकते हैं। चैट का भी ऑप्शन ईजी है, आप सीधा यहाँ पर SMS लिख कर उनको कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, एक रिपोर्ट फिल कर सकते हैं। मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ किस तरीके की रिपोर्ट रहती है। तो यहाँ पर ये कंप्लेंट है जो कि मैंने क्लेम किया है, मेरा कार्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो मेरी पेमेंट कटी है वो भी यहाँ पर लगी है। करना तो चाहता नहीं था लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो इसका अब ऐसे आपको यहाँ पर कॉल के थ्रू भी ऐसी ही बात कर लेनी है। आपको यहाँ पर अपना नंबर वगैरह डाल देना है, फर्स्ट नेम नंबर डिस्क्राइब कर देना है इशू को। तो यहाँ पर सिर्फ हेलो लिख देना है, आपको नाम लिख देना अपना, और देन अपना नंबर लिख देना। अब वहाँ से उधर से कॉल आएगी, आप उनको बता दीजिए, वो आपको लिंक भेजेंगे। जिस तरीके से मैंने अपने डेबिट कार्ड वगैरह का एक इशू डाल रखा है, वो भी आपको उस चीज़ का लिंक देंगे। वहाँ पर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो भी है वो आईडी डाल दीजिएगा, उसके बाद वो आपको ट्रांजेक्शन वापसी दे देंगे आपका, अगर किसी वजह से कुछ गलत ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो। वैसे बाकी मैं इस पर वीडियो और बना दूंगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर आप इसको इसका सलूशन बता दिया है, बाकी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दूंगा अगर आपको ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।